हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की बर्फी की रेसिपी परफेक्ट तरीके से। इसे आप रक्षाबंधन पर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर गाइस मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन और उसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर गाइस मैंने देसी घी डाल दिया है और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। हमें एकदम से सारा नहीं डालना है, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और कुछ लोग गाइस इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, जिससे ये बर्फ़ी जो है वो दानेदार बन सकती है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना आपकी बर्फ़ी जो है वो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो उसके बाद में हम इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें न्यू है तो। और इसी तरह से मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लूँगी। बेसन को भूनने में टाइम लगता है तो इसलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। 10-15 मिनट लग ही जाते हैं बेसन को भूनने में। यहाँ पर देखिए हल्की सी शाइन इसमें आ गई है, बेसन जो है अब घी छोड़ने लगा। इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। यहाँ पर गाइस अब मैं बेसन में डालूंगी हल्दी कलर के लिए, आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। हल्दी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। और यहाँ पर डाल दी है मैंने इलायची पाउडर। और हल्दी से कच्चापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें इलायची डाल दी है। और अभी हम इसे और भूनेंगे इसी तरह से चलाते हुए। यहाँ पर गाइस हमारा बेसन जो है वो भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने पैन में डाली है 1/2 कटोरी चीनी और इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी पानी और इसे हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर चाशनी में एक बॉयल आने लगा है, अभी हमारी चाशनी रेडी नहीं हुई है। जब ये हल्की सी चिपचिपी हो जाएगी तो हमारी चाशनी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर गाइस देखिए हमारी जो चाशनी है वो बनने लगी है। अब मैं गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी क्योंकि हमारी चाशनी जो है वो चिपचिपी होने लगी है। या फिर आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं, जब इसमें एक तार बनने लगे तो आप चाशनी का फ्लेम बंद कर दें। और उसके बाद में हम चाशनी को डालेंगे बेसन में और इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। चाशनी हम जैसे ही इसमें डालेंगे तो ये बेसन जो है वो टाइट होने लगेगा। और चाशनी हमें एकदम से ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी कर कर ही चाशनी हमें इसमें डालती हैं। और इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। मैंने इसमें चाशनी डाल दी है, अब हमारा जो बर्फ़ी का डो है वो रेडी है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक थाली और अब मैं इस थाली को ग्रीस कर दूँगी घी लगाकर। आप चाहें तो इसे बर्फ़ी बनाने वाली ट्रे में भी सेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम इस डो को इसमें डालकर सेट कर देंगे और ऊपर से हम इसे हल्का सा चिकना कर देंगे। यहाँ पर गाइस जो डो है वो मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब मैं इस पर लगा दूंगी बादाम और मगज, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। और इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में ये आसानी से ही जम जाती है। यहाँ पर गाइस 1 घंटा हो चुका है, अब हमारी बर्फ़ी रेडी है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पीसेस कट करते टाइम ही पता चल ही रहा होगा बर्फ़ी जो है वो कितनी अच्छी बनी है। अभी मैं आप सारे पीस कट कर लेती हूँ। यहाँ पर गाइस बर्फ़ी मैंने कट कर ली है, अभी मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आई है इसमें, बहुत ही बढ़िया हमारी जो बर्फ़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हलवाई से भी बढ़िया हमने घर पर ही बर्फ़ी बनाकर तैयार कर ली है। आप इसे रक्षाबंधन पर बनाएं, जैसे भी बनाएं वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप न्यू रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट कर जरूर बताएँ। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, अब मैं इसमें सारी बर्फ़ी निकाल कर सेट कर लेती हूँ।
यहाँ पर गाइस मैंने बर्फी को सेट कर लिया है, देखने में ही लग रही है ना एकदम लाजवाब मार्केट जैसी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।